दोस्तों, अगर इस दुनिया में एक से बढ़कर एक खाने की चीजें मौजूद हैं, तो उन्हें परोसने के तरीके भी बड़े अनोखे हैं। अपने कस्टमर को रिझाने और उसे खुश करने के लिए कुछ होटल वाले नए नए तरीके, नए नए फंडे खोजते रहते हैं। ऐसा करने में वे कई बार अपनी सीमाएं भी भूल जाते हैं। जैसे कि जापान के एक होटल न्योटा इमोरी एक्सपीरियंस अपनी सीमाओं को भूल गए। अपने कस्टमर्स को खुश करने के लिए उन्होंने बड़ा अजीब सा तरीका खोज निकाला। आपको बता दें, जापान के इस होटल में लड़कियों को निर्वस्त्र कर उनको प्लेट बनाकर खाना परोसा जाता है। बेशक आपने दुनिया में एक से बढ़कर एक अजीबोगरीब होटल के बारे में सुना होगा, मगर जापान का ये होटल सबसे अलग हटकर है। आप इस होटल में खाना परोसने के ढंग को देख कर दंग रह जाएंगे। जापान के इस रॉयल किस्म के होटल न्यूटा इमोरी एक्सपीरियंस में नग्न लड़कियों के शरीर पर खाना परोसा जाता है। जी हाँ, ये 100% सत्य है। है ना अजीब तरीका अपने ग्राहक को लुभाने का। मगर दोस्तों, ये तरीका है भी बड़ा मशहूर। लगता है ये होटल वाले कोई राजनीतिज्ञ हैं, तभी ऐसे पैंतरे अपनाते हैं। दोस्तों, भले ही खाने का स्वाद कैसा भी हो, मगर कमबख्त इन लोगों का खाना को परोसने का ये तरीका इतना नायाब है कि बेस्वाद खाने की भी लोग तारीफ ही करेंगे। आपको बता दें कि निर्वस्त्र लड़कियों के शरीर पे सजे इस खाने को खाने के लिए लंबी लाइन लगती है, और लगे भी क्यों ना। पेट भोजन के साथ लोग यहाँ नेत्र भोजन भी जो करते हैं। फ्रेंड्स, लार टपकाते ग्राहकों के लिए इस होटल में बिना कपड़ों की लड़की के शरीर पर कई तरह के फूड्स को पूरी तरह से सजाया जाता है। आपको बता दें, आमतौर पर लड़कियों के शरीर पर जापान की मशहूर डिश यानी सुशी मछली को परोसा जाता है। अरे हाँ, अब आपको होटल के अजीब से नाम का मतलब बताना तो भूल ही गए। दोस्तों, न्यूटा इमोरी शब्द का अर्थ होता है शरीर से बनी हुई प्लेट। बाकी तो आप खुद ही समझ गए होंगे, इतने समझदार तो हैं ही आप। खैर, जाने दीजिए। मजे की बात तो यह है कि निर्वस्त्र लड़कियों के शरीर पर खाना परोसने को जापान अपनी परंपरा का एक हिस्सा मानता है। लगता है दिमाग सटक गया इनका। नग्न लड़कियों के शरीर पर खाना परोसने को जापान एक कला मानता है, और इस कला का नाम इन्होंने नैंत इमोरी का रखा है। दोस्तों, आपको बता दें, लड़कियों के नग्न शरीर पर परोसे जाने वाली इस कला का जन्म सामुराई योद्धाओं के समय में हुआ। इस परंपरा में युद्ध में जीत हासिल करने के बाद गीशा नाम का एक जश्न मनाया जाता है, जहां हम बताना चाहेंगे कि गीशा का अर्थ होता है जापानी नर्तकी। दोस्तों, यही वो जश्न था जिसमें लड़कियों के निर्वस्त्र शरीर पर खाना परोसा जाता था। यानी ये आज से नहीं, बल्कि काफी सालों से चला आ रहा है। दोस्तों, बड़ी अजीब बात है कि ये नैंत इमोरी महिला को ऐसा करने में कोई भी असहजता नहीं लगती, बल्कि उनका कहना है कि लोग उनकी इस कला का सम्मान करते हैं। ये बात और है कि कभी कभी ऐसे ही घटिया किस्म के ग्राहक भी आ जाते हैं जो अश्लील कमेंट भी किया करते हैं। दोस्तों, इस परंपरा में मॉडल को बिना कपड़ों के कई घंटों तक टेबल पर लेटे रहना पड़ता है, जब तक ग्राहक अपना खाना पूरी तरह से खत्म ना कर दे। है ना अजीब परंपरा। आप क्या कहना चाहेंगे इस परंपरा के बारे में, इस कला के बारे में? कम से कम एक कॉमेंट तो बनता है ना यार। चलिए, जल्दी से एक कॉमेंट कर डालिए। तब तक हम आपके लिए दूसरा वीडियो तैयार करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।